The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, एक वीडियो मैंने देखा अभी थोड़ी देर पहले और मुझे लगा कि इस बात पे तो बहुत ही गलत बात है और मुझे बताना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा। सो आई मेकिंग दिस वीडियो। बात बताने से पहले 1900 में चलते हैं। 1900 में यानी सन 1900 में 1000 बच्चे अगर पैदा होते थे तो उसमें से 100 बच्चे मर जाते थे। 1000 बच्चों में से 100 बच्चे मर जाते थे कोई ना कोई बीमारी से। लोग पांच बच्चे पैदा करते थे, कहते हैं एक दो बच्चे, तीन बच्चे, चार बच्चे हमारे रह गए, एक हमारा इस वजह से बीमार होकर गुजर गया। ये तब की कहानी थी। और आज ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आज आपके पास वैक्सीन है, आज आपके पास बड़ी बड़ी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और वैक्सीन से कई लोग बीमार ही नहीं होते। वैक्सीन बहुत अच्छी चीज है और कई लोग अब कह रहे हैं कि वैक्सीन मत लो, वैक्सीन खराब हैं, वैक्सीन से आपको बीमारियां होती हैं, वैक्सीन से आपको साइड इफेक्ट होते हैं। जिनको मेडिसिन के बारे में पता तक नहीं है, ना तो मेडिकल फील्ड के से रिलेटेड है, कई लोग ऐसी बातें आपको बोलेंगे। आप शायद मान लो, शायद ना मानो, लेकिन मेरा काम है आपको एजुकेट करना। एक वैक्सीन और एक बीमारी में यही फर्क है कि वैक्सीन आपको उस बैक्टीरिया, उस वायरस, उस कीटाणु के एक अंश से, मरे हुए अंश से, छोटे से हिस्से से आपकी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। आप जब किसी वायरस से इन्फेक्ट होते हो, आप अगली बार उसी वायरस से इन्फेक्ट नहीं हो पाओगे क्योंकि आपका शरीर इम्यून हो जाता है उससे। आपका शरीर उसी वायरस से इम्यून हो जाए, वो वायरस अगर म्यूटेट करेगा, वो वायरस अगर एंटीजेनिक शिफ्ट करेगा तो आप उस वायरस से इन्फेक्ट हो पाओगे क्योंकि वो चेंज हो गया, वरना नहीं। सो ये चेंज हर वायरस में नहीं होता, हर बैक्टीरिया में नहीं होता। इसलिए जो बैक्टीरिया, जो वायरसेस बहुत कॉमन है, उनके लिए वैक्सीन्स निकली है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो निशान है आप सबके कंधे पे, राइट लेफ्ट कंधे पे जो निशान है आपके गोल सा, वो बचपन में बीसीजी वैक्सीन जो आपको लगती है उसका है। बचपन में इतनी सारी इन्फ्लुएंजा, एमएमआर, डिप्थीरिया, डीटैप, परट्यूसिस एक्सेट्रा, जो कितनी सारी वैक्सीन लगती हैं बच्चों को, और अब तो और बढ़ गई हैं। और आज लोग कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन की वजह से आप बीमार होते हो, वैक्सीन की वजह से आपको ये होता है। वैक्सीन की वजह से नहीं होता दोस्त, क्योंकि अगर वैक्सीन की वजह से होना होता तो आपको वो बीमारी होने के बाद भी होगा। लेकिन हर बीमार आदमी बीमार नहीं होता, हर वैक्सीनेशन वाला बीमार नहीं होता। ऑब्वियसली वैक्सीन सेफ नहीं है, हर वैक्सीन 0% रिस्क से नहीं, कुछ भी 0% रिस्क नहीं है। खाली सलाइन का इंजेक्शन भी किसी को, या इंजेक्शन भी किसी को टोचते हो, खाली किसी को एक इंजेक्शन अंदर घुसा तो उसमें भी रिस्क होता है, इन्फेक्शन फैलने का रिस्क होता है। इसीलिए वैक्सीन का जब इंजेक्शन लगता है या कोई भी वैक्सीन आपके अंदर जाती है तो रिस्क जरूर होता है। इंजेक्शन साइट पर रिस्क होता है, पेन का रिस्क होता है, वहाँ स्वेलिंग होने का, रेडनेस होने का रिस्क होता है, थोड़ा बहुत फीवर आने का, क्योंकि आपकी बॉडी इम्यूनिटी डेवलप कर रही है और वो बहुत ही माइल्ड फॉर्म का आपको दिया गया है ताकि आपके शरीर उसके खिलाफ लड़ सके, बहुत ही माइल्ड। सोचिए अगर आप एक्चुअली किसी दूसरे देश में कि जिसके बारे में पता ही नहीं है वहाँ जा रहे हो और एकदम से आपको पता चला कि उस देश में तो एक्चुअली लड़ने जा रहे हैं, आपकी फौज लड़ने जा रही है, पता चला वहाँ पे तो करोड़ों लोग हैं जिनके पास ऐसे हथियार हैं जिसका आपको पता ही नहीं, और हमने आपको थोड़े से उनके हथियार से ट्रेनिंग करवा दी, तो आप कहोगे इतने खतरनाक हथियार से हमको ट्रेनिंग मत कराओ, हमें लगती है। भाई साहब, आपको वैक्सीन दी है ताकि आप उस कीटाणु के लिए रेडी हो जाओ, इसलिए नहीं दी कि आप वैक्सीन के बारे में ऐसे तरीके से बातें करो। वैक्सीन इज द बेस्ट। कोई भी एजुकेटेड पर्सन अपने बच्चों को वैक्सीनेट करवाता है, हर पर्सन को कराना चाहिए। वैक्सीन में कोई खराबी नहीं है। इतने सारे रिसर्च आप खुद करके देखो, खुद जाके पबमेड पे देखो, वैक्सीन साइड इफेक्ट रिसर्च, मेटा एनालिसिस कितना भी करके देख लो, सब में अच्छे से प्रूवन है, बार बार रिसर्च से प्रूवन है कि किसी वैक्सीन से कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं होता।
लोग कहते हैं इन्फ्लुएंजा वैक्सीन से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आता है, नहीं आता। लोग कहते हैं उससे अस्थमा खराब होता है, नहीं होता, प्रूवन है, रिसर्च में जाके देखो। लोग कहते हैं MMR वैक्सीन जो है मीजल्स वाली वैक्सीन से ऑटिज्म बच्चों के सुनने की शक्ति खराब हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं होती, ये प्रूवन है, साइंटिफिक फैक्ट है। लोग कहते हैं हेपेटाइटिस जो वैक्सीन है HBV उससे मल्टीपल स्क्लेरोसिस होगा, नहीं होता, ये भी रिसर्च में प्रूवन है। और डी टैप वैक्सीन, डिप्थीरिया परट्यूसिस वैक्सीन जो है, टिटनस और टॉक्सॉइड और परट्यूसिस की वैक्सीन से कहते हैं डायबिटीज टाइप 1 होता है, नहीं होता, प्रूवन है, कोई एसोसिएशन नहीं पाया गया रिसर्चेस में। और वेरिसेला वैक्सीन, कई सारी वैक्सीन्स हैं, इवन जो रोटा वायरस की वैक्सीन में माइल्ड सा एसोसिएशन पाया गया था इंटरसेप्शन का, कि इंटरसेप्शन पेट की गड़बड़ी होने के थोड़े से चांसेस माइल्डली बढ़ जाते हैं, एक रिस्क बढ़ जाता है। और किसी वैक्सीन वेरिसेला टाइप की, जो सिर्फ वेरिसेला वैक्सीन, अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बच्चे को या किसी बड़े को दोगे जिसको इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत कम है, तो उनमें दिक्कत होने के चांसेस होते हैं। सो इसीलिए तो वैक्सीन पीडियाट्रिशियन देता है, इसीलिए तो वैक्सीन एक डॉक्टर देता है, देख के समझ के, एक स्पेशलिस्ट देता है, क्योंकि वैक्सीन के बारे में उसे पता है कौन सी देनी है कौन सी नहीं देनी। सो वैक्सीन्स आर ऑलवेज गुड, कोई साइड इफेक्ट नहीं है वैक्सीन का, लोकल साइड इफेक्ट के अलावा, थोड़ा बहुत बुखार थोड़ा बहुत दर्द, उससे बचने के लिए लोग करते हैं, वी आर नॉट वैक्सीनेटिंग, दैट्स रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, दैट्स फुलिश, दैट्स रबिश। एंड पीपल हु से वैक्सीन्स वैसी बीमारियों के लिए दी जा रही है जो अपने आप खत्म ही हो रही है, ट्रेंड है खत्म होने का, ये बुलशिट है। कोई भी वायरस खत्म नहीं होता, म्यूटेट हो जाता है, बैक्टीरिया खत्म हो सकता है, वायरस खत्म नहीं होता, वायरस जरूर म्यूटेट हो जाता है, अलग हो जाता है, क्योंकि वायरस जीवित प्राणी नहीं है, वो एक डीएनए है, वो डीएनए है, डीएनए एक जीवित प्राणी भी नहीं कह सकते उसको, ऑर्गेनिज्म नहीं है, वायरस है, वो एक डीएनए का स्ट्रैंड, आरएनए या डीएनए है, उसको सिर्फ एक सोर्स चाहिए, वहां से वो म्यूटेट हो जाएगा। सो आप बीमारी समझो, फिर सोचो कि आपके अंदर वायरस बैक्टीरिया जाता है, आपकी सेल्स, आपकी इम्यूनिटी बी सेल्स बीटा सेल्स उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम आप उस वायरस से अफेक्ट ना हो, राइट। और ये एंटीबॉडीज रहती हैं आपके शरीर में थोड़ी मात्रा में, मेमोरी ऑफ एंटीबॉडी सेल्स बन के, कि नेक्स्ट टाइम जैसे ही उस तरीके का एंटीजन वही वायरस आता है, ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन बढ़ जाता है और वो उस वायरस को कुछ एक्ट करने के पहले मार देता है, ये इम्यूनिटी। मैंने निपा वायरस के वीडियो में अच्छे से समझाया था कैसे होती है आपकी इम्यूनिटी, वो वीडियो देखिए आप जाके, कैसे बनती है वीडियो में इम्यूनिटी आपके अंदर, इम्यून सिस्टम समझाया है मैंने, इम्यून सिस्टम बाय डॉक्टर बनम जी, डॉक्टर एजुकेशन वीडियो देखिए आप। वैक्सीन आर वेरी गुड, डोंट एवर थिंक कि वैक्सीन अच्छी नहीं है किसी के भी कहने पे, खासकर जो लोग उल्टी सीधी बात बोलते हैं। हाँ जी, वैक्सीन में एक प्रॉब्लम है, अगर आपने नकली वैक्सीन में आकर आपने नकली वैक्सीन ली, अगर आपको नकली दवा मिल गई, देखिए करप्शन हर जगह है, अगर आपको नकली दवा मिल गई तो नकली दवा से साइड इफेक्ट ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आपको वैक्सीन में जो एडजुवेंट है, वैक्सीन के साथ कुछ केमिकल डाला, एडजुवेंट डाला जाता है, एक सब्सटेंस ऐसा जो आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा बेहतर ज़्यादा तेज़ी से बनाए, उस एडजुवेंट के वजह से कई लोग कहते हैं कि बीमारी हो रही है, साइड इफेक्ट हो रहे हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ बन रही है, इसीलिए वो एडजुवेंट पे भी बहुत सारी स्टडीज़ लगातार हो रही है और नए से नए एडजुवेंट आ रहे हैं। कोई भी फिक्स्ड ऐसा नहीं है कि यही एडजुवेंट होगा, यही होगा वैक्सीन होगा। देखिए, अगर हम एक आपके लिए कुछ बना रहे हैं, कोई हथियार बनाते हैं, तो हथियार से खेलते हुए आपको चोट लगेगी, इसीलिए आप खुद मत खेलो, डॉक्टर को इस्तेमाल करने दो जैसे उसे करना है। सो वैक्सीन्स आर नॉट हार्मफुल, वैक्सीन्स आर वेरी सेफ, वेरी इफेक्टिव, एंड आपको लेना चाहिए वैक्सीन, ना ही किसी दूसरे के कहने पे आना, ना ही कोई दूसरों को बहकाना। कोई भी एजुकेटेड पर्सन वैक्सीन ज़रूर लेगा, बच्चों को अपने वैक्सीन ज़रूर देगा, बचपन में वैक्सीन नहीं लेना, अपने बच्चों को उन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से एक्सपोज करने वाली बात है, उन रेजिस्टेंट वायरस से एक्सपोज करने वाली बात है जो कि दूसरे लोगों से निकल निकल के आपके अंदर आ रहे हैं। ये मैसेज है कि वैक्सीन के ऊपर बहुत स्टडी हुई है, 1986 में वैक्सीनेशन एक्ट शुरू हुआ था, जब 1900 में इतने लोग मरते थे बच्चे, और अब नहीं मरते उतने बच्चे, ये अपने आप में बड़ा प्रूफ है कि वैक्सीनेशन कितनी इफेक्टिव है। एंड इन सब पे स्टडीज अभी भी चल रही हैं, अच्छे से अच्छी वैक्सीन, बेटर टू बेटर वैक्सीन बनाने की,
और सेफ्टी लेवल बनाने की। सो मेक श्योर ट्रस्ट इन योर डॉक्टर्स, राइट। अगर नहीं ट्रस्ट करते हैं तो साइंस समझो, राइट। इम्यून सिस्टम को समझो, इम्यून सिस्टम का वीडियो देखो, हर वैक्सीन का वीडियो देखो, हर वैक्सीन के बारे में समझो और फिर डिसाइड करो। रिसर्च देखो, पबमेड पे जाओ, आप किसी भी तरीके के बड़े से बड़े रिसर्च, 10 रिसर्च आर्टिकल देखो और फिर डिसाइड करो। किसी एक बंदे के कहने, मेरे कहने पे मत जाओ, रिसर्च आर्टिकल देखो, खुद दिमाग लगाओ। सो यही बात बतानी थी कि वैक्सीन्स आर ऑलवेज सेफ, डोंट वरी अबाउट इट, प्लीज डोंट बिलीव इन बुलशिट पीपल्स। दिस इज डॉक्टर परमजीत, यू आर वॉचिंग डॉक्टर एजुकेशन।